हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक राजपूत। मेरा नाम है राहुल और आज मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ कि एसएसबी के लिए सबसे बेस्ट कौन सी बुक होगी। तो दोस्तों, मैंने सोचा है क्या है कि मैं आपके सामने एक अच्छी सी बुक जो है सेलेक्ट करूँगा। तो दोस्तों, मैं अभी फ़िलहाल अमेज़न की साइट पर हूँ, तो मैं यहाँ से एक बुक जा रहा हूँ देखने कि एसएसबी के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी रहेगी। जैसा कि दोस्तों मैंने आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ अमेज़न पर सिंपल सर्च किया है एसएसबी इंटरव्यू बुक्स 2018, ठीक है। तो यहाँ पर दो बुक्स सामने दिखाई दे रही है। तो जो पहला बुक है वो है लेट्स क्रैक एसएसबी इंटरव्यू, और जो दूसरा बुक है वो है एसएसबी इंटरव्यू द कंप्लीट गाइड। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो दोनों बुक्स की जो रेटिंग्स वगैरह वो 497 और 466 है, तो ऑब्वियसली मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा। या वैसे मैंने पहले भी सोच रखा था कि मैं यही बुक खरीदूँगा, तो फिलहाल मैं इसी को खरीदने जा रहा हूँ। वैसे बाद जो है मैं बुक को पढ़ के और आपको कुछ दिन के बाद रिव्यू भी बता दूंगा उसका कि बुक मुझे कैसा लगा और आपको ये परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा अच्छी है, या जैसे भी लगेगी मैं उसके हिसाब से आपको बता दूंगा। तो आप अपना देख लेना कि अगर आपको चाहिए है तो। फ्रेंड्स, जो मेरा बुक है वो मेरे पास आ चुका है, तो चलिए मैं आपके सामने इसको खोल के दिखाता हूँ कि कैसा है ये बुक और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। फिलहाल मैं आपको इसका फ्रंट पेज फ्रंट कवर दिखा सकता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। और अगर मैं आपको इसके अंदर की बात करूं तो मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूं, इसका कंटेंट का इंडेक्स दिखा देता हूं। इंट्रोडक्शन है, लिस्ट ऑफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स है, हाउ टू अप्लाई फॉर एसएसबी है, व्हाट इज एसएसबी है, ओएलक्यू रीडिफाइंड है, टेस्ट इन एसएसबी इंटरव्यू है, ठीक है। डेज एट एसएसबी एट ए ग्लांस है, टेस्ट इन एसएसबी इन डिटेल्स है, ठीक है। और जो डिफरेंट फेजेस होते हैं टेस्टिंग के, जैसे फेज वन टेस्टिंग में OIR है, PPDT है, PIQ फॉर्म है, ठीक है। फेज टू के टेस्टिंग में जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो गया, या पर टैट हो गया, थीमेटिक अप्रिसिएशन टैट, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ें दे रखी है यहाँ पर, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट दे रखा है, ग्रुप टेस्टिंग का, ग्रुप डिस्कशन का, GD का, GD टॉपिक्स दे रखा है, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइजेस दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने प्रोग्रेसिव टास्क का भी बता रखा है, फिर ग्रुप ऑफ ऑब्स्टेकल रेस का दिखा रखा है, हाफ ग्रुप टास्क का दिखा रखा है, लेक्चर एट दिखा रहा है, लेक्चर एट टॉपिक्स दिखा रखा है, ठीक है दोस्तों। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एसएसबी में जाने से पहले एक बुक तो आपको पढ़ के जाना ही चाहिए। जैसा कि मैंने अपने लिए ये मंगाया है, चाहे तो आप इसको मंगा सकते हैं। मैं आपको इसका पढ़ के एक बार अच्छे से इसका रिव्यू बता दूंगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल जो देख पा रहा हूँ कि इन्होंने सारे स्टोरीज वगैरह दे रखा है, पिक्चर परसेप्शन का इन्होंने PPDT का दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और इधर से फिर ग्रुप ऑफ स्ट्रगल रेस वगैरह का इन्होंने दे रखा है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो वीडियो में तो, ठीक है। काफ़ी मोटी बुक है ये, 352 पेजेस की है। तो चलिए देखते हैं फिर इसको पढ़ने में कैसा है, ये अंदर से इसका कंटेंट कैसे है। अभी तो मैं बस आपको बुक का ऊपर दिखा दे रहा हूँ। इसका राइटर अगर मैं बताऊँ आपको, तो राइटर्स तो इसका वैसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, SSB क्रैक वालों का ही है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने बुक को जो है काफ़ी टाइम देख के मैंने पढ़ लिया है उसे, और जो मेन पॉइंट्स थे बुक के वो मैंने यहाँ पे उसका नोट्स बना लिया। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने नोट डाउन करके रखे हुए अपने लिए, जो मुझे बाद में काम आएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फेजेस जो होते हैं उनमें क्या क्या कैटेगरीज़ है, कौन कौन से टेस्टिंग आती है, वो मैं आपको इस छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है एक वैसे, तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या टेस्ट वगैरह होते हैं। तो देखिए, आपको फेज़ वन की टेस्टिंग में OIR दिखाई दे रहा है, PPDT दिखाई दे रहा है, फेज़ टू की टेस्टिंग में आपको दो टेस्टिंग है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है और ग्रुप टेस्ट है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में देखिए VAT, TAT, SRT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है, और ग्रुप टेस्ट में आपको आते हैं GD आता है आपका, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क आते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से कि ये जो इन सारी चीज़ों का जो है वो यहाँ, तो मैंने मतलब अपने हिसाब से एक थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए नोट बना के रखा हुआ है। बुक्स में उन्होंने क्या है, पूरी अच्छी तरीके सारे टॉपिक को है जो एक्सप्लेन कर रखा है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उन्होंने वहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, उससे एग्जांपल से उन्होंने समझा रखा है अच्छे तरीके से। तो मैं उसको देख रहा हूँ, आप भी, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको भी ये देखना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को देख के तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने कितनी मेहनत करी है इस पर। मैंने 3-4-5 बार मतलब जो है वो रिकॉर्डिंग करी है, उसके हिसाब से मैंने फिर वीडियो को एडिट किया है। तो आप देख सकते हैं कितनी मेहनत करी है इसमें। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि मैं जो है नेक्स्ट वीडियोज़ को बनाने मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं यूँ ही जो है आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।